हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ डायरीज में। और इस वक्त सुबह का टाइम है, मैं आ गया हूँ MBPG कॉलेज के अंदर और यहाँ पे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है छात्रों की, और छात्र एकता जिंदाबाद भी लिखा है। हम यहाँ पहले भी आए थे, हम यहाँ डेली कवर कर रहे हैं पिछले चार दिनों से यहाँ भूख हड़ताल चल रही है छात्रों की, इलेक्शन की डिमांड को लेकर। इन लोगों का कहना है कि इलेक्शन होने चाहिए और बहुत स्टेप हो गए इधर। छात्र लोग गेट के ऊपर चढ़े पहले, उसके बाद बिल्डिंग में भी चढ़ गए, उसके बाद पहले जो हुआ शिक्षा मंत्री जी का पुतला ही फूका गया, सब यात्रा निकालने की कोशिश करी गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो गवर्नमेंट है अभी इनकी बात में कोई भी जवाब देने को रेडी नहीं है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जो भी मैटर है। तो चलते हैं अभी, आज जो छात्र बैठे हैं उनसे बात करते हैं भूख हड़ताल में। और बाकी अभी NCC की परेड चल रही है कॉलेज के अंदर, आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आज चौथा दिन है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का सुबह का माहौल है। आज कॉलेज भी बंद है और देखते हैं आगे, बात करते हैं इनसे। तो अभी हमारे बीच छात्र नेता चंदन सिंह जी है, तो इनसे बात करते हैं। तो भैया, आप कौन से पद के लिए इधर इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी भैया, मैं शासन सचिव के पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो अच्छा, आज हमारा भूख हड़ताल का चौथा दिन। सबसे पहले हमारा भाई अजय कुमार बैठे थे, उसके बाद रक्षित बिष्टी जी बैठे थे, आज कल से मैं बैठा हूँ चंदन सिंह। तो देखो, गवर्नमेंट सरकार जो सरकार है, BJP सरकार, वो बहुत ढीली है। देखिए, प्रशासन भी पूरा, जिला प्रशासन भी ढीला है। परसों अजय कुमार बेहोश हो गए थे और कल रक्षित बिष्टी जी बेहोश हो गए थे। तो उसके बाद भी मेडिकल की टीम यहाँ नहीं पहुँची। हमने लेटर दे दिया था, सिटी मजिस्ट्रेट को भेज दिया था, सभी को भेज दिया था, उसके बाद जिला प्रशासन इतना ढीला हो रहा है कि अभी तक कोई मेडिकल की टीम अभी भी नहीं है। देख सकते हैं आप, कोई मेडिकल की टीम नहीं है अभी भी। तो जहां हमने, तो कॉलेज के अंदर एक मेडिकल की टीम रहनी चाहिए यार, जैसे इतना बड़ा लगा हमने वोट किया अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करके। तो ये लोगों को थोड़ा शर्मा आनी चाहिए, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे भूख हड़ताल करने से। हम लोगों ने एक मांग रखी थी कि छात्रों की परीक्षा पीछे हो, तो उसमें तो हम सक्षम हो गए हैं। तो हमारी दूसरी मांग है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करे करके। वो हम बहुत पहले से, लगभग हमें 13 दिन हो गए हैं आज धरना करते हुए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, सॉरी यार, भूख हड़ताल के लिए। तो सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही है, सरकार हम लोगों को दबाने का काम कर रही है। जो युवाओं की बात करती है, वो युवाओं को आगे बढ़ाने की बात तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये BJP सरकार युवाओं को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है। इनको डर लग रहा है कि नई क्रांति, नया परिवर्तन आएगा युवाओं में, तो हम लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के मूड में, तो हम लोग हार मारने वाले नहीं हैं। ये लोगों को छात्र संघ चुनाव कराना होगा और जल्दी जल्दी कराना होगा। धन्यवाद। पिछले लंबे टाइम से आप छात्रों का मदद भी करी होगी आपने इधर कॉलेज में? पिछले 4 साल से मैं इस महाविद्यालय पे छात्रों की मदद कर रहा हूँ। 4 साल से हम लोगों ने तैयारी करी। देखिए, अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो छात्रों का नेतृत्व कौन करेगा? पहाड़ से बच्चे आते हैं, दूर दराज से, बहुत पहाड़ों से आते हैं, गाँव से आते हैं, कोई रेंट पे रहता है, तो बच्चों की हेल्प करने के लिए एक छात्र नेता ही खड़ा होता है जो छात्रों का नेतृत्व करता है। अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं होंगे तो छात्रों का नेतृत्व शायद ही कोई करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ये कॉलेज नहीं रह जाएगा था। जैसे कि कल एक एम्बुलेंस आने में 4 घंटे लग गए, लेकिन प्रिंसिपल सर के कहने पे, और लेकिन पुलिस 2 मिनट नहीं लगती है, प्रिंसिपल सर के कहने पे 2 मिनट में पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई 4 घंटे तक। आज कॉलेज बंद है, आज किस चीज़ की छुट्टी है कॉलेज? आज छठ पूजा की छुट्टी है। छठ पूजा की, तो आज कॉलेज में मैनेजमेंट स्टाफ कुछ भी नहीं रहेंगे? प्रिंसिपल महोदय, अभी तक तो कोई नहीं आया। देखो, आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा। देखो, आएगा तो कोई, मेडिकल की जो व्यवस्था है वो भी होनी चाहिए। तो उसमें कुछ आपको बोल रखा है कि मेडिकल टीम आएगी इतने बजे, आएगी करके बोला था, लेकिन शाम को भी आएगी कहा था, नहीं आई थी शाम को, तो सुबह भी अभी तो नहीं आई है, अब देखो क्या होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी बात छात्र नेता चंदन सिंह जी से हो रही थी। तो एक विषय, एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ छात्र नेता लोग जो भूख हड़ताल में बैठे हैं और यहाँ अनशन में बैठे हैं, तो मेडिकल टीम तो मस्ट आनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में भूख हड़ताल में किसी की तबीयत सीरियस ख़राब हो जाए तो अचानक से उन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर इधर होने चाहिए, ये बात तो हम भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, किसी की तबीयत हेल्थ ख़राब होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सोचने का विषय है। और बाकी हमारा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनकी डिमांड को माना जाए। और अभी एक चीज़ में ये लोग सक्सेसफुल हो गए कि जो भी स्टूडेंट लोग परेशान थे बहुत लंबे टाइम से कॉलेज में, इसलिए भी आंदोलन कर रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि
10 दिन मिले थे, 15 दिन मिले थे लोगों को पढ़ने के लिए, और 9 तारीख से एग्जाम की डेट निकली थी। अभी एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, एक नोटिस आ चुका है, और दिसंबर में अब एग्जाम होंगे, और देखते हैं अब इलेक्शन का क्या रहता है, कब इलेक्शन होते हैं। अब जो भी है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अगली वीडियो में, इसी MBBG कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट मिलेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग भी कॉमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद।